हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट दूंगा उससे आप पीरियोडिक टेबल में मेटालिक कैरेक्टर या नेचर ऑफ ऑक्साइड या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, और जिसमें हम लोग मेटालिक कैरेक्टर के ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल, वी नो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा और टॉप से बॉटम आने पे इंक्रीज होगा। अगर आपने पीरियोडिक टेबल को एक बार अच्छे से देखा हो तो यू नो लेफ्ट में मेटल है और राइट में नॉन मेटल है, इसलिए लेफ्ट टू राइट में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली टॉप टू बॉटम में मेटालिक इंक्रीज हो रहा है बट नॉन मेटालिक डिक्रीज हो रहा है, राइट? तो सिंपल है, ये सब जानते हैं। पॉइंट नंबर टू अगेन इजी है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में मैक्सिमम एलिमेंट मेटल है, राइट? पी ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक विच कंटेन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, इसमें तीनों हैं। वी नो की मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होंगे, मेटलॉइड के जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, राइट? ये भी क्लियर आपको। पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड कौन कौन से हैं और उसको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए है रफ़ी सर का ट्रिक। और ट्रिक क्या है? वेरी सिंपल, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, पोलोनियम और एस्टेटीन, ये हैं आपके मेटलॉइड पूरे पीरियोडिक टेबल के। उसको कैसे याद रखेंगे? सिंपल, बी से हो गया बालिका, एस आई से सीता, जी से गीता, ए से ऐश्वर्या, ये सब नेम हो गए, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब टेलीफोन लाते, तो इस वर्ड से आप याद रख सकते हैं मेटलॉइड को, ओके? यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें जो नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात करना और इस पे बेस बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमें न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन है, चूँकि वेरी लेस है तो उसको हम इजीली याद रख सकते हैं, और उसके लिए भी रफ़ी सर ने ट्रिक दिया है। न्यूट्रल ऑक्साइड को आप कैसे याद रख सकते हो? CNNO, यू नो CNN करके एक न्यूज़ चैनल आता है, तो CNNO, इसका क्या मतलब हुआ? एक बार C के साथ बोलो तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, ध्यान दे CO, CO2 एसिडिक हो जाएगा, फिर सिर्फ CO जो लिख रहा हूँ बस वही। N के साथ O लेंगे तो NO, और दो बार N है तो N2O, ये तीन ऐसे ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल हैं, डैट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट नहीं करेंगे और बेस से भी नहीं। सिमिलरली एम्फोटेरिक मतलब वैसे ऑक्साइड हो गए जो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी। तो इसमें कौन कौन है? ZN, AL, BE, CR, GA, PB, SN, ये टोटल 7 है। और इसको कैसे याद रखेंगे? तो अगेन सिंपल ट्रिक, ZN से जनाबे, AL से आली, जनाबे आली ने कनेक्टिंग वर्ड है, बेकार, BECR से बेकार, गाया पंजाबी सॉन्ग। इसमें ध्यान देना है कि ये खुद मेटल भी एम्फोटेरिक है और इनके ऑक्साइड या इनके कोई कंपाउंड बना लो वो भी एम्फोटेरिक है नेचर में। यहाँ पे ध्यान रखना है क्रोमियम कब? जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, डैट मीन्स Cr2O3, यही सिर्फ एम्फोटेरिक होगा, सारे इसके ऑक्साइड नहीं, एक पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा, लेड के केस में +2 हो या +4 हो, सिमिलरली टीन में +2 हो या +4 हो, सब एम्फोटेरिक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आपको क्लियर कर दिया। और एम्फोटेरिक का मतलब एसिड से भी रिएक्ट करेंगे बेस से। अब इनको छोड़ करके जो बच गया तो उसमें ये मेटल होगा तो वो बेसिक हो जाएगा, नॉन मेटल होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। तो ये अगर पॉइंट अच्छे समझ गए तब हम इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में ये तीन एलिमेंट गिवन थे, इसका मेटालिक ऑर्डर बताना है। तो वेरी सिंपल, यू नो एस ब्लॉक वाले सबसे ज़्यादा मेटल होंगे, फिर उससे कम डी और उससे कम पी, राइट? तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का है, ये बेरिलियम्स एस ब्लॉक में सेकेंड ग्रुप का है, राइट? और कैल्शियम भी सेकेंड ग्रुप का है, तो सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम हो जाएगा क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, और कैल्शियम बेरिलियम में यू नो कैल्शियम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और सबसे कम बेरिलियम होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए पहले आप उसको पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज है वैसे लिख लें, यू नो बेरिलियम है और बेरिलियम के नीचे ही कौन होगा? मैग्नीशियम, तब जाकर के है कैल्शियम और इसी के पहले है पोटेशियम। तो यू नो ये लेफ्ट टू राइट हो गया तो लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है, तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो, पहले पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर बेरियम, राइट? क्वेश्चन नंबर टू में मोस्ट बेसिक ऑक्साइड पूछा गया है, डेट्स वेरी सिंपल, अगर आप ध्यान से देखो तो एल्यूमिनियम, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, ये सब 13 ग्रुप वाले हैं, और डाउन द ग्रुप में यू नो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो सबसे नीचे कौन है? बैगन,
आलू गाजर इन थैला, तो ये वाले हैं सबसे नीचे, तो Tl2O3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन ये एलिमेंट दे दिए हैं मेटेलिक ऑर्डर, तो अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो पीरियोडिक टेबल में ये कैसे अरेंज है, सोडियम इसी के बगल में मैग्नीशियम राइट, आगे चल करके फिर सिलिकॉन और फिर फॉस्फोरस, और बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम से ऊपर है। तो वी नो डाउन द ग्रुप में इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा तो सोडियम हो जाएगा एस ब्लॉक का और फर्स्ट ग्रुप का है, तो सोडियम फिर मैग्नीशियम फिर आपका Be, क्योंकि ये सब एस ब्लॉक वाले मेटल होंगे, और ये पी ब्लॉक में है तो डेफिनेटली सिलिकॉन देन फॉस्फोरस, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन सब के नेचर के बारे में, तो ध्यान से देखो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो क्या हो जाएंगे एसिडिक, ये मेटल के हैं तो क्या हो जाएंगे बेसिक, ये भी मेटल है बट आपको बता रखा हूँ जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, बस ये 7 एलिमेंट ध्यान रखना है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक, और ये CnNO से याद करवाया था तो N2O, तो ये कैसा हो गया आपका न्यूट्रल। तो इस टाइप से मैच द कॉलम में भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में मेटालॉइड कौन होगा, तो मेटालॉइड के बारे में आपको बता दिया है, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब टेलीफोन लाते, तो ध्यान से देखो टेलीफोन, तो ये वाला हो जाएगा, वेरी सिंपल अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो। 6 में NOH अगेन कैसा हो जाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड है बेसिक, जनाबे आली ने बेकार BE, तो ये एम्फोटेरिक राइट, फिर से ये जनाबे आली, तो ये भी क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक, और ये BOH होल थ्राइस एक्चुअली में क्या है H3BO3 ध्यान रहे, तो ये नहीं कि इसको एम्फोटेरिक कर दोगे, ये टिपिकल एसिडिक ऑक्साइड है बोरिक एसिड है ये, तो ये एसिडिक हो जाएगा, मैच द कॉलम में भी दे सकता है राइट। सिमिलरली पेयर ऑफ ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये तो बोरॉन के हो गए एसिडिक होंगे लेकिन कैल्शियम मेटल तो बेसिक हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे N2O न्यूट्रल हो गया ये नहीं होगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक हो गया नहीं होगा, यहाँ पे बोरॉन एसिडिक हो जाएंगे, सिलिकॉन एसिडिक हो जाएगा, तो ऑप्शन D। सिमिलरली एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि XYZ थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, X का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है, Y का एम्फोटेरिक है, Z का एसिडिक है, तो उनके एटॉमिक नंबर का, तो यू नो अगर X का बेसिक है तो वो S ब्लॉक का होगा राइट, इधर का होगा, फिर एम्फोटेरिक आता है राइट, और फिर उसके बाद एसिडिक, तो इसका मतलब Z का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा क्योंकि नॉन मेटल होंगे, Y वाले मेटलॉइड होंगे तब Y का होगा, और ये मेटल होंगे तो लेफ्ट कॉर्नर पर होंगे तो X का होगा, इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, कि जैसे HCl में जो बॉन्ड बना है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है राइट, तो एक्चुअली में क्या होगा क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इससे इसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाते हैं और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, डैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मिड में नहीं होंगे, वो मिडिल पॉइंट से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होंगे, तो इसलिए इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों डिफरेंट थिंग है, यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा गया है, अभी भी इलेक्ट्रॉन इसके शेल से बाहर नहीं गया, इस पॉइंट का ध्यान रखना। ट्रेंड वेरी सिंपल है लेफ्ट टू राइट में, चूंकि नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, और टॉप टू बॉटम में ये डिक्रीज होगा, ये जनरल ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। नाउ ट्रिक जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं, और वेरी सिंपल, मैं आपको सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद करवा दूंगा ट्रिक से, कैसे ध्यान से देखो, मैंने लेफ्ट टू राइट में एलिमेंट को लिख दिया लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, और फिर उसके नीचे वाले ग्रुप लिख दिए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन, इसके नीचे ब्रोमीन और आयोडीन, कैसे याद रखना आपको वेरी सिंपल, 1 से स्टार्ट करना है वेरी इजी है नंबर 1, और 0.5 आपको क्या करना है इंक्रीज करते हुए चलना है, तो 0.5 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 2 2.5 3 3.5 एंड 4, तो देखो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज भी हो रहा है और सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलिंग स्केल पे आपको याद करवा दिया। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, बट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी होगा तो क्लोरीन, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद डाउन द ग्रुप जाने पे कम होता है, तो आप देख सकते हो 1 था तो 0.9, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इंक्रीज होगा, कितना से इंक्रीज कराना है 0.3 से,
तो 0.9 में 0.3 जोड़ोगे तो 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 याद हो गया ये। अब मैं दो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, एक है पीएच। पीएच का क्या मतलब हो गया, जो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही हाइड्रोजन की। फास्फोरस का आपने याद कर लिया 2.1, इसलिए हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2.1। दूसरा पॉइंट क्या है, आई एस सी, इंटर ऑफ साइंस आई एस सी बोलते हैं। आई एस सी का मतलब आयोडीन सल्फर और कार्बन का सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन का कितना है वो आपने निकाल लिया कितना 2.5, तो वही सल्फर का भी होगा तो ध्यान से देखो 2.5, और वही आयोडीन का होगा तो ध्यान से देखो 2.5, राइट। अब यहाँ पे क्लोरीन, तो यहाँ पे 0.5 हमने इंक्रीज कराया, 0.3 मत करना, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो कि ये 2.5 है और ये खुद 2.8 है, तो इससे ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर है तो इसका 3 है। ध्यान रहे नाइट्रोजन और क्लोरीन का सेम नहीं है, डेसिमल के बाद डिफरेंस है। जैसे ये 3.2 होगा तो हो सकता है ये 3.01 हो, हमें उतना तो मतलब है नहीं। वैसे अगर नाइट्रोजन क्लोरीन पूछा जाए तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन से, तो ये वैल्यू ही आपको रटवा दिया, तो अब आप इस पर बेस्ट किसी प्रॉब्लम को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, तो आपको बता रखा हूँ। सबसे पहले तो एलिमेंट को पहचान लो कहाँ का आई है, तो ओल्ड स्टाइल से टेलीफोन, ये डाउन द ग्रुप वाले हैं, ये वाले कहे सीता जी, तो जी, और इधर है बैगन आलू गाजर, तो ये लेफ्ट टू राइट वाले हैं। ये वाले अगर आप ध्यान से देखो तो आपका सिलिकन है और एल्युमिनियम है, तो पहले एल्युमिनियम फिर सिलिकन, राइट, तो ये भी लेफ्ट टू राइट वाले हैं, और फास्फोरस सल्फर भी आपका लेफ्ट टू राइट वाले हैं। तो यू नो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होता है, तो ये वाला में तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होता है तो इसका कम होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, तो यही ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है तो एल्युमिनियम का ज़्यादा नहीं होगा, सिलिकॉन का ज़्यादा होगा, इसलिए रॉन्ग है, और इसमें भी सल्फर का ज़्यादा होगा इसलिए रॉन्ग है। तो वेरी सिंपल, ट्रेंड पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपको ये वैल्यू याद करवा दिया है। यू नो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का होगा, क्योंकि वो कितना था 2.8, आपको याद ही करवा दिया हूँ। सबसे ज़्यादा ब्रोमीन वाले दो ऑप्शन है, उसके बाद कौन होगा, तो यू नो कार्बन, क्योंकि कार्बन का कितना था 2.5, उस ट्रिक सब इजीली कर लोगे, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो अब आप इस पे बेस आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो। थैंक यू।